सत्र के पहले दिन कई मुद्दे सभागृह में कांग्रेस के विधायक नाना पटोले ने रखे, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से किसी भी तरह की सकारात्मक भूमिका नहीं रखी गई, जो काफी निंदनीय है। यही नहीं, शीत सत्र की पूर्व संध्या पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कैडलोट करने की बात कही, वो सही नहीं है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में था, तो आज का पहला दिन कैसा? महाराष्ट्र की सरकार ये दलभद्री सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार ये जनता की सरकार नहीं, जनता की तिजोरी लूटने वाली सरकार है। आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार के आशीर्वाद से महाराष्ट्र को तोड़ने का काम चालू किया गया है। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री केंद्र के उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई, उसमें बताया गया है कि भाई कोई किसी को तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन आज देखा होगा कि महाराष्ट्र के सांसद और विधायक को वहां पे लटकाया गया, अड़ाया गया, और आखिरी केंद्र की सरकार महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती, यही बात आपने देखा होगा। राज्य के विधायक बाबा अतराम को नक्सलवादियों ने जो धमकी दी उसके बारे में भी उसमें एक चर्चा आई। उसमें सुरजागढ़ जो आयरन ओर प्रकल्प है, वो प्रकल्प को जो ठेकेदार चला रहा है वो नक्सलवादी को मदद करता है, इस तरह की चर्चा वहाँ पर है। और इसलिए सरकार से हमने ये सवाल पूछा, लेकिन सरकार ने नक्सलवादी और वो कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करने की भूमिका वहाँ पे दी। उसी तरह का आपको आज उसमें देखने मिला। हम विधानसभा अध्यक्ष को भी हमने कहा कि आपके लेवल पे एक मीटिंग लगाइए, उच्च स्तरीय मीटिंग लगाइए, जिसे सरकार को और हम लोगों को बुलाइए, स्थानिक लोगों को बुलाइए, लेकिन सरकार उस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में इसी सुरजागढ़ प्रकल्प से बड़ा खतरा पैदा होने का संभावना है। शीत सत्र की पूर्व संध्या पर जो है मुख्यमंत्री ने कहा था कि 50 खोके ओके बोल रहे हैं, तो खोके पर खोके जो है चढ़ाकर एक मतलब कड़े लोड भी किया जाए, तो वो जिस तरह से लोकतंत्र को खरीदने की बात राज्य के मुख्यमंत्री आज भी कर रहे हैं, ये राज्य के लिए खतरे की बात है। मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा नहीं है कि खोखे का आरोप इनके ऊपर हुआ है, लेकिन उनको बोलता कि मैं और खोखे बढ़ा दूंगा और बिकत लोगों को लूंगा। तो ये इस तरह का वक्तव्य मुख्यमंत्री अगर करते हैं तो महाराष्ट्र के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हुआ, यही कल मुख्यमंत्री के वक्तव्य से आपको देखने मिला। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शीत सत्र की पूर्व संध्या पर वक्तव्य किया, ये काफ़ी ही चिंताजनक वक्तव्य है, ऐसा नाना पटोले इन्होंने कहा है। और आने वाले शीत सत्र में सुरजागढ़ प्रकल्प को लेकर कई मुद्दे उठाए जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। कैमरा पर्सन अमोल के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।